नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल में। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं बेरोजगारों के लिए बड़ी घोषणा, 10,000 शिक्षकों की जल्द होगी भर्ती, 30 मई 2019 की बड़ी खबर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं, भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं, कहीं पर भी कोई नई वैकेंसी का विज्ञापन जारी होता है या परीक्षा परिणाम आता है, राज्य सरकार या भारत सरकार की कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आती है, तो सबसे पहले आपको इस YouTube चैनल के ऊपर निःशुल्क दी जाती है। तो दोस्तों अभी तक भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाएँ ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों 2 या 3 मिनट की वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखना, आपको इस वीडियो के पूरी जानकारी मिल जाएगी और वीडियो देखने के बाद इसे लाइक और शेयर जरूर करें। जी हाँ दोस्तों, 8वीं तक के उत्कृष्ट स्कूलों में 10,000 पद अस्थायी रूप से होंगे सृजित, जयपुर। शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई स्टाफिंग पैटर्न में गाइडलाइन, प्रदेश में 8वीं तक के उत्कृष्ट स्कूलों में एक अतिरिक्त पद अस्थायी रूप से देने के निर्देश जारी हुए हैं। इसके हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश में शिक्षकों के 9625 उत्कृष्ट स्कूलों में 9625 तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल 2 के पद अस्थायी तौर पर सृजित होंगे। इन पदों की खास बात यह है कि इस पर किसी भी विषय का शिक्षक लग सकता है। विभाग में लेवल 2 के पद विषयवार तय होते ही होते हैं, लेकिन इसे अस्थायी पद पर किसी भी विषय के शिक्षक को लगाया जा सकता है। शिक्षा विभाग में आने वाले दिनों में तबादले खुलने की संभावना है, इसलिए इन पदों पर चहेतों को लगाया जा सकता है। इसके लिए एक फायदा ये भी होगा कि संबंधित स्कूल में किसी भी विषय के लेवल 2 के शिक्षक को लगाते समय किसी को हटाने की नौबत नहीं आएगी। जिस शिक्षक को लगाया जाना है उसको इस अस्थायी पद पर आसानी से पोस्टिंग दी जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अस्थायी पद कितने दिनों तक रहेगा और क्या विभाग इसको भविष्य में स्थायी पद मानेगा। हालांकि ये बताया जा रहा है कि जब स्टाफिंग पैटर्न की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो स्कूल के नामांकन के हिसाब से इस पद को निर्णय लिया जा सकता है, चाहे जो हो, लेकिन प्रारंभिक तौर पर विभाग में 9625 पदों की बढ़ोतरी होने से शिक्षकों में खुशी है। राजस्थान प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षक संघ के वरिष्ठ उपाध्याय विपिन प्रकाश शर्मा का कहना है कि पिछली सरकार ने बड़ी संख्या में पद खत्म किए थे, ऐसे में सरकार ने 9625 पद बढ़ाने का निर्णय सही और इससे शिक्षकों को भी कुछ राहत मिलेगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 8वीं तक के स्कूलों के अंदर 10,000 शिक्षकों की अस्थायी तौर पर शिक्षकों की भर्ती होगी। हो सकता है दोस्तों आने वाले दिनों में इन्हीं पदों को स्थायी कर दिया जाए। दोस्तों जब भी इसके विषय में कोई नया अपडेट आता है तो आपको वीडियो के माध्यम से तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी तक भी आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में घंटी के निशान को भी जरूर दबा लें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जय हिंद, जय भारत।